मैं विजयपाल सिंह, गणित अध्यापक, शिक्षा विभाग हरियाणा से आज के एजुसेट प्रसारण की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 के अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सर्वांगक्षमता शब्द को समझने की कोशिश करें तो हम सर्वांगक्षम से शुरू करते हैं। सर्वांगक्षम शब्द का यदि संधि विच्छेद करें, हम इसे तीन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, सर्व जमा अंग जमा सम। सर्व यानी सारे, सभी, अंग यानी हिस्से या भाग, और सम यानी समान। प्यारे बच्चों, जिन दो आकृतियों के सभी हिस्से, सभी भाग आपस में समान आकार के, समान माप के हों, तो वो दो आकृतियां आपस में सर्वांगक्षम होती हैं। और उन दो आकृतियों के आपस में सर्वांगक्षम होने के संबंध को ही सर्वांगक्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वांगक्षमता के शाब्दिक अर्थ को जानने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, अब हम आपस में आकृतियों की सर्वांगक्षमता को देखने की कोशिश करते हैं। किसी भी तल में दो आकृतियों को कब सर्वांगक्षम कहा जाए, कब सर्वांगक्षम होती हैं, तो कोई भी दो आकृति हम लेते हैं। ये दो आकृतियां हमने ली, ये सर्वांगक्षम है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम दो तीन तरीके अपना सकते हैं। एक तो इनके सभी भागों के माप आपस में समान हैं, बराबर हैं, तो ये सर्वांगक्षम होती हैं। उसको चेक करने के लिए एक तरीका है कि एक ट्रेसिंग पेपर लें, एक आकृति पर रखें और इसकी आकृति उस पर बना के उसे हम दूसरी आकृति पर ले जाकर रखें। तो यदि इसका जो ट्रेसिंग पेपर पे इसकी जीरोक्स कॉपी बनेगी वो पूर्णतया इसको ढकती है, तो फिर ये आपस में सर्वांगक्षम हो गई। या फिर दूसरा तरीका है कि इसके आकार की हम किसी कागज पे, पेपर पे काटें और इस आकृति को हम ले जाकर इस आकृति पर रखें। यानी कि दोनों आकृतियों में से जब भी एक आकृति दूसरे को पूरा ढक लेती है तो वो आकृतियां आपस में सर्वांगक्षम होती हैं। सर्वांगक्षम की अब बात करें तो सबसे पहले हम रेखाखंड की सर्वांगक्षमता की बात करें, जो आपने पहले सीखा होगा। कोई भी दो रेखाखंड कब सर्वांगक्षम होते हैं, जब उन दोनों रेखाखंडों की लंबाई आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए अपने पास ये दो रेखाखंड हैं, ए बी और पी क्यू। ये दोनों रेखाखंड आपस में सर्वांगक्षम होंगे यदि इनकी लंबाइयां आपस में बराबर हों, और इसका उलट, यदि ये दोनों रेखाखंड सर्वांगक्षम हैं तो फिर इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। इसकी मोटाई जो है वो इसमें मायने नहीं रखेगी। इसी प्रकार से यदि हम इससे आगे बढ़ें, कोणों की सर्वांगक्षमता की बात करें, तो कोणों की सर्वांगक्षमता में मायने रखता है उनका माप। कोई भी दो कोण, मान लीजिए एक तो ये कोण हमने बनाया और एक ये कोण हमने बनाया, अगर मान लीजिए इनके माप बराबर हैं, ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, तो ये दोनों कोण आपस में सर्वांगक्षम हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं, जो किरणें हैं, इनका साइज इनसे छोटा है, परंतु क्योंकि इनकी माप बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में सर्वांगक्षम हैं। तो कोणों की सर्वांगक्षमता में उनका माप मायने रखता है। यदि माप बराबर है तो दोनों कोण सर्वांगक्षम है, और यदि दो कोण सर्वांगक्षम हैं तो उनकी माप बराबर होती है। प्यारे बच्चों, अभी हमने जाना कि दो रेखाखंड यदि एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं तो वो आपस में सर्वांगक्षम होते हैं, दो कोण यदि एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं तो वो आपस में सर्वांगक्षम होते हैं। इसी संकल्पना को त्रिभुजों के लिए यदि हम देखें तो दो त्रिभुज भी आपस में सर्वांगक्षम होंगे यदि वो एक दूसरे की प्रतिलिपि हो। एक को दूसरे पर रखे जाने पर वो आपस में एक दूसरे को पूर्णतया ढक लें तो वो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं। हम यहाँ पर दो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर देख रहे हैं। यहाँ पर एबी बराबर पीक्यू, बीसी बराबर क्यूआर तथा एसी बराबर पीआर, यानी दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं।
इसे चेक करने के लिए चलिए हम त्रिभुज पी क्यू आर को उठाकर त्रिभुज ए बी सी पर रखते हैं। तो इसने पी क्यू आर ने त्रिभुज ए बी सी को पूर्ण रूप से ढक लिया है। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले तो सर्वांगसम होते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब दो त्रिभुज और लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज यू वी डब्ल्यू। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इनकी संगत भुजाएँ बराबर हैं। इसको चेक करने के लिए चलिए यू वी डब्ल्यू को उठाकर हम डी ई एफ पर रखते हैं। तो अब डी यू वी डब्ल्यू ने डी एफ को पूर्ण रूप से ढक लिया है, तो त्रिभुज डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज यू वी डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हैं। सभी संगत भुजाएं बराबर थी। अब देखिए, संगत भुजाएं बराबर थी उसके साथ साथ इनके संगत कोण भी बराबर हैं। हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में कोणों की माप आपस में बराबर है। और इसको चेक करने के लिए एक बार फिर से उठाकर रखते हैं। तो देखिए, यू वी डब्ल्यू के तीनों कोण त्रिभुज डी ई एफ के तीनों कोणों के बराबर हैं, यानी सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में समान होते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रम से दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आइए एक बार दो त्रिभुज बनाते हैं। यह हमने एक त्रिभुजाकार शीट काटी हुई थी, उसकी सहायता से हम दो त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एक ही माप से ये दोनों त्रिभुजें बनाई हैं, इसका नाम देते हैं ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पीक्यूआर। अब क्योंकि ये दोनों आपस में समान आकार और समान माप की हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। त्रिभुज पी क्यू आर के देखिए, इसके साइज़ का हमने ये काटा हुआ है। जब इसको उठा करके हम इस त्रिभुज पर रखते हैं तो ये इसको पूर्णतया ढक लेता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी ए के ऊपर आता है, क्यू बी के ऊपर आता है और आर सी के ऊपर आता है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर, और इनमें हम देखेंगे कि ए पी के ऊपर, बी क्यू बी के ऊपर और आर सी के ऊपर आता है, तथा ए बी पी क्यू के अनुदिश है, ए सी पी आर के अनुदिश है और बी सी क्यू आर के अनुदिश है। इस तरीके से इन भुजाओं के और कोणों के बारे में हम देख रहे हैं, शीर्षों के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि देखिए, ये जब हमने यहाँ उठाकर रखा इसके माप का, जब हमने यहाँ उठाकर हम ये भी देख रहे हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे ए बी और पी क्यू भुजा आपस में बराबर है, बी सी और क्यू आर भुजा आपस में बराबर है, ए सी और पी आर भुजा आपस में बराबर है, तथा कोण पी कोण ए के बराबर है, कोण क्यू कोण बी के बराबर है तथा कोण आर कोण सी के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके जो संगत भाग हैं वो आपस में बराबर हैं। एक चीज़ यहाँ और सीखने को मिल रही है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग, यानी संगत भुजाएं और संगत कोण, ये भी आपस में माप में बराबर होते हैं। तो ये जानने की कोशिश करें एक बार कि यहाँ पर संगत शीर्ष कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और पी संगत हैं, बी और क्यू संगत हैं तथा सी और आर संगत हैं। इसी तरीके से संगत भुजाएं देखिए, ए बी के संगत कौन सी हुई, ए बी के संगत पी क्यू है, ए बी और पी क्यू, बी सी और क्यू आर तथा ए सी और पी आर।
अब इनके कोणों को देखते हैं, संगत कोण, कोण ए का संगत कोण पी, कोण बी का संगत कोण क्यू, तथा कोण सी का संगत कोण आर। तो इस प्रकार यहां पर हमने ये भी जाना कि यदि दो त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर आपस में सर्वांगसम हैं, तो उनके कौन कौन से संगत भाग हैं जो आपस में समान होते हैं। अब देखिए यहां पर जितना महत्व इन संगत भागों की लंबाई और संगत जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई का और जो संगत कोण हैं उनके माप का जितना महत्व है, उतना ही महत्व शीर्षों के सुमेलन का है। ये त्रिभुज पीक्यूआर के बराबर हमने काटा था और जब हमने यहां से इसको त्रिभुज एबीसी को पूर्णतया ढक लिया, लेकिन यहीं पर देखे प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं पी शीर्ष को ए पर ना रखकर किसी दूसरे शीर्ष पर रखूं, यानी पी को यदि मैंने बी पर रखने की कोशिश की, तो क्या ये आपस में एक दूसरे को पूरा ढक पाए? दिख रहा है हमें, ऐसा नहीं हो रहा, ये पूरा नहीं ढक रहा है। और पी को यदि मैं सी पर रखने की कोशिश करूं तो भी इसने इसको पूर्णतया नहीं ढका, जबकि ये आपस में सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम एक बात और सीख रहे हैं कि जितना इनके कोणों की माप का और संगत भुजाओं के माप का महत्व है, उतना ही दो सर्वांगसम त्रिभुजों में उनके शीर्षों के सुमेलन का है। अगर हमने इन शीर्षों का ठीक से सुमेलन किया तो ही हम जान पाए कि ये आपस में सर्वांगसम हैं, ये आपस में एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। तो सुमेलन को हम किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखें कि ए सुमेलन पी, बी बी के सुमेलन क्यू से था, और सी का सुमेलन आर से, तथा इसको लिख सकते हैं ए बी सी सुमेलन, ए के सुमेलन में पी, बी के सुमेलन में क्यू, और सी के सुमेलन में आर। तो ए बी सी सुमेलन पी क्यू आर। आइए इसके बाद हम प्रश्नमाला 7.1 के कुछ सवालों को करने की कोशिश करते हैं। 7.1 के सवाल नंबर 3 में इसमें हमसे कहा गया, यदि सुमेलन ए बी सी, सुमेलन एफ ई डी है, तो त्रिभुज ए बी सी आपस में सर्वांगसम, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों के नाम लिखने हैं। अब यहाँ सुमेलन से हमें ध्यान देना है कि शीर्ष ए किसके सुमेलन में है, एफ के, शीर्ष बी ई के, और शीर्ष सी डी के सुमेलन में है। चाहे तो हम इनकी रफाकृति बना लें या सुमेलन के हिसाब से हम इनके संगत सर्वांगसम भागों के नाम लिखेंगे। तो शीर्ष कौन किसके संगत है, शीर्ष यहां से दिख रहा है, ए सुमेलन एफ के है, बी सुमेलन ई के है, और सी सुमेलन डी के है। संगत भुजाएं संगत भुजाएं देखिए यहां से ए बी के संगत में एफ ई, ए बी के सुमेलन में एफ ई, बी सी के ई डी, बी सी के सुमेलन में ई डी, और ए सी के सुमेलन में एफ डी। ये भुजाओं का हो गया। और इसके बाद है संगत कोण, तो चाहे तो हम यहां से जो शीर्ष थे वही वहीं पे कोण बनता है, या इसकी एक रफाकृति बना लें वहां से भी हम कोणों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्योंकि ए और एफ आपस में सुमेलन में हैं, तो कोण ए सुमेलन सर्वांगसम भागों संगत भागों के नाम लिखते थे, ए एफ के है, कोण बी कोण ई के है, और कोण सी
कोण डी के है। प्रश्नमाला 7.1 के ही सवाल नंबर 4 को देखते हैं। यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगशम है त्रिभुज ए बी सी ए, तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों के नाम लिखिए जो निम्न के संगत हों। अब यहाँ पर हमें यहाँ ये सर्वांगशमता जो लिखा हुआ है सर्वांगशम, इनका जो सुमेलन है उसके हिसाब से देखना है संगत। तो देखिए कोण ई, कोण ई का संगत यहाँ पर क्या है, कोण बी। कोण ई के सुमेलन में या संगत में हो गया कोण सी। भुजा ई एफ, ई एफ के सुमेलन में सी ए। इसी प्रकार से कोण एफ, तो कोण एफ के सुमेलन में शाबाश सोचिए कोण ए। और भुजा डी एफ, भुजा डी एफ, तो यहां से देखिए डी एफ के सुमेलन में बी ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमें दो सर्वांगशम त्रिभुजों के संगत भागों के बारे में अच्छी तरह से सीखना है। सुमेलन का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा शीर्ष किसके सुमेलन में है, कौन सी भुजा किसके अनुदिश है, कौन सा कौन कौन से कौन के संगत है, इसके हिसाब से ही हम सर्वांगशमता के असली अर्थ को जान सकते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और पुस्तक में दी गई इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कीजिए। अब अंत में अभ्यास कार्य के रूप में प्रश्नावली 7.1 का अभ्यास कीजिए।